रणबांकुरों के शौर्य माटी के कणकण में समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे राजस्थान की स्थापना को 71 साल हो गए। 7 चरणों में बने राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना से पहले इस धरती को वीरांगनाओं ने अपने त्याग और बलिदान से सींचा। इसी का परिणाम है कि राजस्थान का हर एक क्षेत्र अपनी अलग खूबी रखता है। बात करें कला, संस्कृति और खेलों की, तो यहाँ के क्षेत्र के अलग ही आयाम है। यहाँ का पर्यटन तो विश्व भर में विख्यात है। जयपुर फुट हो या जयबान की बेजोड़ तकनीक, इसका कोई मुकाबला नहीं। जैसलमेर की तपती रेत और माउंट आबू की वादियाँ इस अनूठे प्रदेश की ऐतिहासिकता को बखान करते हैं। ऐसी न जाने कितनी ही खूबियों को अपने में समेटे हुआ यह राज्य है, जिनका शब्दों में बखान करना संभव नहीं। बस इतना कहा जा सकता है कि राजस्थान की स्थापना का हर एक क्षण सदियों की विरासत की अनूठी मिसाल है। वहीं राजस्थान दिवस पर प्रदेश भर में कई आयोजन होते थे, लेकिन कोरोना की वजह से 71 साल के इतिहास में पहली बार प्रदेश में राजस्थान दिवस नहीं मनाया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में लोगों से घर पर ही राजस्थान दिवस मनाने की अपील की है। इसके साथ ही ट्विटर और फेसबुक पर लोग डॉक्टरों और पुलिस वालों को भी राजस्थान दिवस की बधाई दे रहे हैं।